आज आम मैंने पांच प्रकार परिवा व्यवहार करी बिना पियाज रसुण रे एक छांक तरकारी प्रस्तुत करिबा जहाँ कि आपण मैंने ओसा पूजा व्रत में खाईपारती तरकारी एत स्वादिष्ट लगी था जे आपण को द्वितीय तरकारी आवश्यक पड़े ना। नमस्कार, मु लक्ष्मी, रोसे विथ लक्ष्मी रे आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। रेसीपीटी स्टार्ट करबा पूर्व जदि आपण मैंने मो चैनल रे नुआ किंबा मो चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तेबे फटाफट सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करनी। तले आसन तो देखि नबा प्रथमे हमको कोन कोन सब परिबा दरकार। एटी देखंतु प्रथमे मु किछि कखार को काटि रखी छी। एटी मु कंचा कखार नै छी सेथि पई चोपा छड़ेनी। आपण जदि पाचिला कखार नथिबे चोपा को छड़े नेबे। कखार को देखिबारु थिबे एमती बड़ बड़ पीसेस रे काटि रखी छी। ता सहित एटी देखंतु दुईटी मूला को मु एकदम बड़ बड़ साइज रो काटिक रखी छी। एटी मु मूलार चोपा को छड़े कि नै छी। ता सहित एटी देखंतु मु दुईटी मीडियम साइज रो बाइगण को मध्य एमती बड़ बड़ पीसेस रे काटिक रखी छी एवं गोटे बड़ साइज रो आलू रो चोपा छड़े कि एमती क्यूब साइज रे बड़ बड़ काटिक रखी छी। ता सहित एटी देखंतु 5 टु 6 टी पोटल को एमती लंबा लंबा करी काटि रखी छी। माने गोटे पोटल को टोटल 4 खंड करी छी। या भितर आपंक जो पर पसंद ना से स्किप करपारती पसंद थी आपटा को आड करपारती आसतु आम गोटे मसला रेडी करवा से गोटे मिक्सर जारे मुझे गोटे इंच अदा को एकदम छोट छोट काटिकी अदार चोपा को छड़ेक ही ने सहित गोटे छोट सैज्र टमाटो को मुझे चारि खंड करी टमाटो ओसारे खाऊन थे तेज टमाटो को स्किप करपारती सहित दुईटी कंचा लंका नहीं फ्लेवर पर एबे इतरे अल्प टिके पानी दे दबा आ यार गोटे चिकन पेस्ट बने कि नहीं आसीबा। एपटे देखंतु मु गोटे छोटो साइज रो गिना नै छी आ सेइथरे देखंतु दुई पिंस दे दउ छी हिंगु। तापर आमे ग्राइंड करी रखीतिबा टमाटो कंचा लंका एवं अदार पेस्ट को इथिरे दे दबा आ मिक्सर जार रे अल्प टिके पानी देकी से पानी को मध्ये इथिरे दे दबा। एबे कोन करबा ना ए सब जिंस को टिके भलो भाबरे मिसेई नबा। हिंगु सहित अदार कॉम्बिनेशन ता बहुत बढ़िया रहिताए। हिंगु को अदा सांगे मिसेवा द्वारा सेटा मंदिर परी फ्लेवर आसी थाए। एबे आमे आउ गोटे छोट गिना नै जिबा सेइथरे प्रथमे दे देबा स्वाद अनुसारी लुण। पूरा तरकारी रे आपण जेतिकी लुण व्यवहार करिवे एइथरे ही दे देबे। ता सहित अधा छोट चम्मच दे देबा धनिया गुंड, अधा छोट चम्मच दे देबा जीरा गुंड। एबे एइथरे अधा छोट चम्मच दे देबा हळदी गुंड। ता सहित अधा छोट चम्मच टु टिके अधिक दे देबा काश्मीरी लंका गुंड। आपण एठी नॉर्मल वाला लंका गुंड मध्ये नै पारंती। ता सहित अध छोट चम्मच देदेबा गरम मसला। एबे इथरे अल्प किछि पानी देदेबा आ पानी देकी एको भल भाव रे मिसेइ नबा। एहा द्वारा कोन हबो ना गुंड मसला सब फुली जिवो आ जेते बेले याको मे तेल रे दबा गुंड मसला पोडि जिवार चांस रहिबो नाही आ स्वाद मध्ये बहुत बढ़िया आसीबो। ताहले एबे आसंत जिबा कुकिंग प्रोसेस को। सेथि पई प्रथमे मु गोटे कढ़ई गरम करि नउची। कढ़ई भल से गरम हेकला परे आमे सेथिरे गोटे बड़ चम्मच रिफाइन तेल देदेबा। तेल भलसे गरम होगला परे आमे काटिकी रखिथिबा सब परिबा को देइथबा किंतु आमे एठी बाइगण को ऐड करबा नाही काहेकि ना बाइगण गोटे सॉफ्ट परिबा हेथाय एटा को आमे पछेरे भाजिबा। बाकी सब परिबा को आमे मीडियम फ्लेम रे हल्का गोल्डन हेला पर्यंत भाजि नबा। एठी मु परिबा को रिफाइन तेल रे भाजिछि। आपण चाहिले घी रे मध्ये भाजिकी नै पारंती। परिबा को भाजि हेबा पई मात्र 2 रु 3 मिनिट समय लागिबो। एटी देखंतु पाखा पाखी 2 रु 3 मिनिट परे परिबा हमरा हल्का हल्का गोल्डन हे कि भाजी हे गलानी। परिबा हमरा एमती भाजी हे गला परे एको में बाहर करकी गोटे प्लेट किंबा गोटे थाली मधे रे रखिनबा। परिबा सब बाहर कर सला परे कढ़ई रे थिबा बळका तेल रे आमे काटी कि रखिथिबा बाइगण को देइदबा। जदि आपण को कढ़ई रे किछि तेल बळिनी तबे आपण अल्प टिके तेल देकि ए बाइगण को भाजी नियंतु। आ बाइगण को भाजिला बेले गैस रा फ्लेम को मीडियम टू हाई फ्लेम रे ही रखिकि भाजिबे। कहीं जदि आम को लो फ्लेम रे भाजिबा ताले बाइगण बहुत जल्दी सॉफ्ट हो बेसी नरम हो तो ये देखो गोटे मिनिट पर्यंत बाइगण को भाजला बाइगण आमर भल भाव गोल्डन हो भाजीगला या बाहर करके गोटे प्लेट रे रखि नबा। तापर आम से सेम कढ़ई में आउ गोटे बड़ चमच देद रिफाइन तेल। तेल भलसे गरम होगापर आम अध छोट चमच देद गोटा जीरा ता सहित दुईटी देद शुखिला लंका आ गोटे तेजपत्र को एमती दुई खंड कर देदेबा। ये सब जिनस को टिके भाजी नबा जिते बड़ पर्यंत जीराटा भलसे फुटिकी न भाजी हिची। जीरा टिके भाजी हेगला परे आमे प्रथमे अदा टमाटो कंचा लंका एवं हिंगुर पेस्ट को देइदबा आ लो टू मीडियम फ्लेम रे याकू ड्राई हेला पर्यंत कसि नबा।
ये देखु पखापाखि गोटे मिनिट पर मसला आमर भलसे कषि हो मसलू तेल बाहर को बाहर आरंभ हो गलाभरी भाव में मसला कषिगला आम रखि गुंड मसलार पेस्ट आम जो सब गुंड मसला को पानी रे भिजिक रखी से पेस्ट को एबदे आईसारापर एम अध छोट चमच देदे चीनी चीनी शुणी आप बिलकुल भी डरत ना तरकारी बिलकुल भी मीठा लगे ना टेस्ट को टी बालान्स कर आदि आपको अधिक टी मीठा पसंद थी आपठी दुई चमच चीनी एब सब जिन भल भाव में मिसई ना आई मसला को आम लो फ्लेम आउ गोटे मिनिट पर्यंत कषि ना ये देखो पखापाखि गोटे मिनिट पर मसला आमर भलसे कषि हो गला गुंड मसलार कंचा स्मेल कटि जा तो ये समय आम कौन करवा ना ये देखो मुझे अध किना पखापाखि बुट ये बुट को मुझे पखापाखि 4-5 घंटा पर्यंत पानी में भिजेक रखी तापर जाए व्यवहार करुच्ची बुट को मसला सांगे आम आ गोटे मिनिट पर्यंत कषि ना किंतु एक आम कभर करके कसा जमी जल्दी सीझी जदि आप इनकेस बुट ना आप बुट जगार ये मटर नहीं पारती ये देखूँ मसला सहित तो बुट को कषि हेबार पखापाखि गोटे रु 2 मिनिट हो गला तो ये मुझे लिड काढ़ चेक कर मसला सांगे बुट भी भलसे कषि हो गला एबे कौन करवा भाजिक रखि सब पर देद पर सब दे सारापर मसला सांगे आम पर टे भल भाव मिसई ना आ गैस फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम रखिकी मसला एवं परिबा को आहुरी 2 मिनिट पर्यंत कषि ना खोलें ही आम पर कषा जमी पर भलसे कषि हो देखु 2 मिनिट पर्यंत पर कषलामर भलसे कषि हो गला आग अपेक्षा पर कमी जा एमें कौन करवा ना ये आवश्यक अनुजाई पानी देद ये मुझे छोट ग्लास देढ़ ग्लास पखापाखि पानी देद आपण जमी बुड़ की रही हिसाब से आज पाने दे सारापर या को बेसी घाटा ना एमती हाल्का टी मिसई ना तापर कभर करके लो टू मीडियम फ्लेम पखापाखि 5-7 मिनिट पर्यंत सीझापी छाड़ीद जमी पर सब आम भलसे सीझिजी ये देखूँ पर सीझार पखापाखि 7-8 मिनिट हो तो मुझे लिड काढ़ चेक कर देखि पारे आमको जितकी ग्रेवी दरकार था बनी सारी कहीं ये जो झोल आप देखुं यहाँ थंडा होगा टी बहिया आपको पर चेक कर देखिए देखूँ सब पर परफेक्ट भाव में सीझी जाइए तासह ये आपण को बुट को चेक कर देखुची देखूँ बुट मैं भलसे सीझी जाइए आपण मानक जदि मो भाई गोटा गोटा पर पसंद ना डंकी कि चामच साहु हाल्का टी मिसई ने या बेसी घाटबे ना कि बेस चापे ना अल्प टिके टिके आलू को एमती चापी ने जमी ग्रेविटा टी बहिया तरकारीटा टी मिसी बास एवं आम गैस फ्लेम को अफ कर गरमा गरम सर्व कर नवा या रुटी परटा गरम भात जो थे भी चाहिए खाईपारती खाइबाप बहुत स्वादिष्ट लगी थाए तेज आशा करुच्ची आज रेसीपीटी आपंत पसंद आसी पसंद आसी भिडियोटी को लाइक सेयार करने को बिलकुल भी भूलु ना तो आज रोचे बाय पुनी देखा हम आउ एक नुआ रेसिपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।